एमबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 55% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 1,40,040। केवल डाइवोर्सी, वीडो या एक सर्विसमैन जिन्होंने 50% अंक से ऊपर प्राप्त किए हैं वो 2,913। पीएच फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 40% मान्य है, उनकी 7,629। टीएसपी सहरिया उनके लिए 36% पे उत्तीर्ण मानते हैं, उनका 16,948। लेवल टू ये लेवल टू, इसमें कैटेगरी वाइज कुल परीक्षार्थी सामान्य श्रेणी के जिन्होंने 60% से ऊपर प्राप्त किए 47,079। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जिन्होंने 55% से ऊपर अंक प्राप्त किए 3,82,112। डाइवोर्सी, विडो, एक सर्विसमैन 50% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 7,201। फिजिकल हैंडीकैप 40% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 12,669। टीएसपी शहरिया 36% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 41,990। ये परीक्षार्थी इसमें पात्रताओं में परीक्षा के पात्रता इनको मिलेगी। इनमें से इनके एकेडमिक इंडेक्स जुड़ने के बाद जो मेरिट तैयार होगी उसके आधार पर भर्तियां होगी। मैं आज रीट लेवल प्रथम व द्वितीय परीक्षा का परिणाम प्रोविजनल रूप से घोषित किया गया जाता है। इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता रीट परीक्षा 21 के विज्ञप्ति संख्या 1/2021 के अनुरूप होनी चाहिए, वही इसके पात्र होंगे। परीक्षा में नियत मापदंड अनुसार अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को ही पात्र माना जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल प्रथम में बीएड, डीएलएड, एनआईओएस से योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 1853/2021 में पारित आदेश दिनांक 24/9/2021 की पालना में रोका जा रहा है। रीट लेवल द्वितीय का भी परीक्षा परिणाम प्रोविजनल रूप से जारी किया जाता है। रीट लेवल प्रथम एवं द्वितीय के जिन अभ्यर्थियों पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है तथा इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करना प्रक्रियाधीन है। भविष्य में भी दोहराने अनुसंधान ऐसा पाए जाने पर उनका परीक्षा परिणाम निरस्त करने योग्य होगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने में यद्यपि पूर्ण सावधानी रखी गई है फिर भी कोई त्रुटि रह जाने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट कार्यालय का फैसला सर्वमान्य होगा। रीट परीक्षा 2021 के परिणाम माननीय उच्च न्यायालय की याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को श्रेणी संबंधी, विषय संबंधी शिकायत हो, वे जिन्होंने पहले आवेदन किया है ऐसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रीट वेबसाइट www.reetbser21.com पर अपने आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन कर सकेंगे। इस तिथि पश्चात कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज सभी रीट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लंबे समय से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को सफलता मिली यह पूरे प्रदेश के शिक्षा जगत के लिए प्रसन्नता का विषय है। कतिपय अभ्यर्थियों को आशा अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं मिलने पर दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन मेहनत करें, कार्य करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि जीवन का यह अंतिम पड़ाव नहीं है। अतः उन सभी अभ्यर्थियों के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हौसला रखें एवं प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सारे पत्र जिसमें सारे डेटा है वो सब आपको दी जा रही है, जिसमें कितने बच्चे बैठे
मेरिट बता देता हूँ मैं आपको, लेवल फर्स्ट में जो सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए वो अजय वैष्णव वैरागी, जिसने 148 मार्क्स प्राप्त किए आउट ऑफ 150 अजमेर के, अजय वैष्णव वैरागी। सेकंड क्या, उसके भी 148 है, दोनों बराबर है, गोविंद सोनी, ये उदयपुर के, गोविंद सोनी उदयपुर। सेकंड क्या, दोनों प्रथम है, मार्क्स बराबर है। सेकंड पे 146 मार्क्स आए हैं, उसमें फर्स्ट है अभिजीत शर्मा भिलवाड़ा के, दामोदर पारिक जयपुर के, किरण सिंह जयपुर के, प्रकाश बारा के, मोहम्मद सईद अजमेर के, मंगल चंद शर्मा अलवर के, श्रुति भारद्वाज भिलवाड़ा के, सावरलाल डांगी भिलवाड़ा के, राहुल कुमार जयपुर, विकास शर्मा जैसलमेर, संजय कुमार मीणा कोटा, राकेश अबासारा सीकर, विनोद कुमार। तो अभी आप सुन रहे थे महाशिवो अध्यक्ष डीपी ज्वारली को, जो कि रीट का परीक्षा परिणाम जारी कर रहे थे। लौटेंगे इसी खबर पर, फिर से यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।